शिवरात्रि के मौके पर देश भर में शिवरात्रि की धूम है। भोले बाबा को हर कोई खुश करना चाहता है। कहते हैं भोले बाबा मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। ऐसे में भला करीना कपूर खान के साहबजादे तैमूर अली खान कैसे पीछे रहते। तैमूर अली खान ने भी शिवरात्रि को सेलिब्रेट किया है। कैसे कर रहे हैं वो शिवरात्रि को सेलिब्रेट और कैसा है शिवरात्रि पर उनका लुक, चलिए आपको बताते हैं। वैसे तो तैमूर अली खान इन दिनों काफी ज्यादा बिजी हैं क्योंकि उनकी मॉम की दूसरी डिलीवरी हुई है और उन्हें छोटा भाई मिल गया है खेलने के लिए। लेकिन इस बीच तैमूर अली खान की अक्सर चर्चाएं होती रहती है। अब तक उनके भाई की झलक नहीं देखी गई है। भाई कैसे दिखाई देता है, क्या नाम रखा है, इन सारी चीजों को काफी प्राइवेट रखा है करीना कपूर खान ने। लेकिन तैमूर अली खान का बज अभी भी बना हुआ है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जब से तैमूर पैदा हुए हैं तब से तैमूर के कभी नाम को लेकर बहस होती है तो कभी उनकी क्यूटनेस पर लोगों का दिल आ जाता है। ऐसे में शिवरात्रि के मौके पर तैमूर अली खान का लुक देखने लायक रहा। तैमूर अली खान महाकाल के रूप में नजर आए। जी हाँ, बाबा महाकाल और आप भोले बाबा भी कह सकते हैं। उस लुक से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर वो दिखे। ऐसा लगता है कि भोले बाबा उनके सबसे फेवरेट भगवान हैं, तभी उन्होंने ऐसा लुक रखा है। आप देख सकते हैं जूड़ी बनाई है छोटी सी और तीसरा नेत्र भी आप उनका देख सकते हैं। तैमूर का ये लुक सोशल मीडिया पर काफ़ी पसंद किया जा रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तैमूर अली खान शिवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही उनका जो लुक है लोगों का दिल जीत रहा है। लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि करीना कपूर खान के जो लाडले साहबजादे हैं वो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपका क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताइएगा।